क्रांति जींद की तरफ से मैं आप सबको सत श्री अकाल और राम राम। ये अपना लंगर है जी शुगर मिल के सामने। अभी कुछ भाई आए हुए हैं पंजाब से, मैं आपसे उनसे बात करके देखते हैं जी, पूछते हैं जी क्या है क्या नहीं। ये देखो जी जत्था आया हुआ है पूरा जी, जत्थेबंदी, ये पूरी जत्थेबंदी है जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, राम राम भाई साहब। कहाँ से आए हो जी आप? बठिंडा से आए हम, पंजाब से। हाँ तो जी आज ही चले थे? हाँ आज सुबह चले हैं 12 बजे। तो फिर आपकी 24-26 जनवरी की उधर तैयारी कैसी है जी? भाई भैया वो तो हम पूरी तैयारी कर कर आए हैं। अच्छा, 26 को हम भी परेड करेंगे। अच्छा, सरकार ने बोला है कि भाई 1.5-2 साल तक हम पोस्टपोन करते हैं कानून को और आप कमेटी कमाटी बना के, आप क्या समझते हो, ढकोसला है या सरकार डर गई असल में? वो सरकार अब जिसे कहते हैं ना, हमारे तो कहते हैं पंजाबी में तो कहते डर गए, हिंदी में बोलते हैं बौखलाहट गए, वो हो गए उनको। अच्छा जी, अभी उनको ऐसे अभी हम ले पाकर इनको किसानों को वापस भेज देंगे। ठीक है जी। लेकिन किसानों ने मन बना लिया है जब तक उनको वापस नहीं करेंगे तीनों कानूनों को, हम वापस नहीं जाएंगे। अब 26 को हमारा 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर परेड करेगा। अच्छा जी। हाँ, रिंग रोड पे हम परेड करेंगे क्योंकि शांतमय तरीके से करेंगे। हमारा भी देश है, हमें भी हक मनता है 26 को जो परेड हमारा देश करता है, हमें भी करनी है, हमारा भी हक बनता है। अच्छा जी, और एक कल पीलीभीत में यूपी में वो जो सिरसा वाले जी थे अपने जत्थेबंदी के सरदार, उनको कल गिरफ्तार अरेस्ट किया है, पीसफुली वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बारे में आप यूपी बीजेपी सरकार और यूपी के लोगों से एक क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई खड़े हो जाओ अभी भी वक्त है? वहाँ पे पता क्या है, यूपी में योगी सरकार है ना, उसकी गुंडागर्दी चल रही है। ठीक है जी। वो तो जी हरियाणा में बीजेपी है, वो तो उठा दी हमने। हाँ, वो तो बहुत, हरियाणा का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर हरियाणा के लोग हमारा साथ ना देते तो हमारा जो इतना नहीं चलना था। तो जी लड़ाई तो सबकी है। हाँ। हमारी भी है। आपने हमें जगाया है, आपके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी आप फिर आगे क्या तैयारी है जी, आगे आप टिकरी बॉर्डर पे जाओगे कि सिंगी बॉर्डर? हाँ, हमारा जो जत्था है ना उगराहा का टिकरी बॉर्डर पर है। अच्छा जी, हाँ, हम टिकरी बॉर्डर पे है। जो हमें जत्थेबंदी उसके आगे संदेश देगी, उसके बाद हम जो कार्रवाई है उसके बाद करेंगे। अच्छा, कोई भी जो हमें संदेश ऊपर से मिलेगा हमारी जत्थेबंदी का, उसकी संदेश के तहत ही हम चलते हैं। अच्छा जी, तो अब आप कितने जत्थेबंदी, अब कितने बंदे चल रहे हो जी आप? अभी हम गाँव से आज 12 ट्रैक्टर लेकर आए हैं हमारे पंजाब में, हर एक गाँव को 10 से 12 ट्रैक्टर बोला लाने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी आ रहे हैं लोग, आप हमारे होकर आ रहे हैं। और जी एक आखिरी बात, जो शहरों का मिडिल क्लास है सारे इंडिया में, वो भी दुबक के बैठा हुआ, हालांकि वो भी किसान पुत्र है, वो भी दुबक के बैठे हुए हैं, वो भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि भाई ग्राउंड पे आओ, कुछ योगदान दो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो भैया ये सभी को ये संदेश देना चाहते हैं, ये हमारे अकेले किसान की लड़ाई नहीं, अब तो ये हर एक नागरिक की, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक की लड़ाई बन चुकी है। ये आज किसानों के साथ इसने किया है, कल को छोटे दुकानदारों को बड़े बड़े शहर में मॉल खोल दिए, वो भी खत्म हो जाएंगे। इसने तो जो एक दो कॉपरेट कराने हैं ना जो, उनको बड़ा करना है, किसान को तो इसने ख़त्म करना है। हम तो उनको जो घरों में बैठे हैं ना अभी, उनको बेनती करते हैं भी भैया अभी भी वक्त है, उठो और हमारे साथ संघर्ष में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। आप यहाँ पे आए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर जोड़ रखा है जी, ये देखो जी, और ये तो एक के पीछे भी एक ट्रैक्टर जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी की परेड की तैयारियां पूरी है, और ये देखो जी एक ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रैक्टर जोड़ रखा है, अभी एक ट्रैक्टर के पीछे 4-4 ट्रैक्टर भी जोड़े हुए आ रहे हैं, और एक ट्रैक्टर के पीछे 5-5-6-6 ट्रैक्टर भी जोड़े हुए आ रहे हैं। जनक्रांति जींद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।